मंदिर में संस्कारों की व्यवस्था होनी चाहिए, मंदिर में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और मंदिर में लोगों के दुख दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर भगवान का घर है, दुख दूर भगवान के घर में नहीं होगा तो काम। और इसलिए अन्न सत्र चलना चाहिए, सेवा के उपक्रम चलने चाहिए। पहले सब होता था, आज भी बहुत से लोग हमारी सेवा करते हैं। आजकल एक उपक्रम चलता है हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस पे, अपने यहां हुआ भी नहीं पता नहीं, देश के अनेक शहरों में हुआ है। उसमें सारे सनातन परंपरा के जितने संस्थान, धर्माचार्य, मंदिर आदि आदि है, वो अगर सेवा कार्य करते होंगे तो उनको निमंत्रित। जब वो आते हैं तब देखने में आता है कि अगर संसार भर का स्टैटिस्टिक्स जमा किया जाए और सबसे अधिक सेवा किस धर्म के, किस सभ्यता के, किस संस्कृति के लोग करते हैं ऐसा गिना जाए, तो हमारे इन धर्म संस्थाओं के और आचार्यों के द्वारा जो सेवा चलती है वो सबसे अधिक है। आप लोग जो वास्तविकता कोई सर्वे कर सकता है, करना वास्तविकता ये चलना चाहिए। और साथ साथ लोगों के भौतिक उन्नति की भी चिंता होनी चाहिए। ये हमारे भारत देश की सनातन काल से चलती आई हुई समान मान्यता है। भारतीय पंथ संप्रदाय में ये मान्यता समान है, यहीं से सारे पंथ संप्रदाय शुरू होते हैं। इतिहास के चक्र में कई अलग अलग प्रकार के समय आए, कभी हम गिरे, कभी दूसरों ने धक्का मारकर हमको गिराया, लेकिन हर बार हम गिर गए तो हमारा जीवन न गिर जाए, वो उसी सनातन मूल्यों पर फिर से खड़ा हो जाए, इसलिए देश काल परिस्थिति अनुरूप अलग अलग पंथ संप्रदाय हमारे यहां चले। विविधता को मान्यता ही है, विविधता को हम स्वीकार करते, आदर करते, इसलिए पंथ संप्रदाय अलग होने से कुछ नहीं बिगड़ता, जीवन का हमारा तरीका ही है। परम लक्ष्य एकता का अनुभव करना, उसके लिए जीना, उसके लिए त्याग संयम सदाचार पूर्वक परोपकार करते हुए जीना, यह लोक में भी ठीक रहना, परलोक को भी ठीक करना। इसलिए भौतिक बातों की भी दो पुरुषार्थ है हमारे, जो शुद्ध भौतिक है, अर्थ और काम, उसकी मान्यता है। और दो एक पुरुषार्थ है वो इस जगत के परे का है, मोक्ष। तीनों को साथ चलाने वाला है धर्म। तो हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे, हमारे विहार, हमारे देरासर, हमारे स्थानक, ये सब कुछ हमारे आचार्य यति वेश धारण करते वितरण कर विचरण करने वाले सारी दुनिया में आजकल जाते हैं, ऐसे हमारे सब पंच संप्रदायों के आचार्य ये क्या करते हैं, ये समाज में ये तीनों साथ चले, उसके चलते सृष्टि संपन्न हो, और सृष्टि संपन्न होने से एक दिन सब जगत में परमेष्टि का साक्षात्कार सबको हो सकता है, ऐसा जीवन तैयार करने में गुरु प्रयास करता है। मैं अपने चित्त शुद्धि के लिए प्रयास करूं और बाहर का परिवेश चित्त शुद्धि के लिए अनुकूल नहीं रहे, मैं बहुत शांति में साधना करना चाहता हूं लेकिन बाहर सर्वत्र दंगे हो रहे हैं, मारपीट हो रही, तो मैं शांति से कैसे बैठ सकता हूं? मुझे या तो वो स्थान छोड़कर और कहीं जाना होगा या वहां शांति रहे इसका प्रयास करना पड़ेगा। और इसलिए अपनी मुक्ति केवल मेरे अकेले की मुक्ति संभव नहीं, सबकी मुक्ति यही मुक्त का ध्येय होता है। इसलिए हम जानते हैं कई संत महात्मा पहुंच गए वहां, उनको भी इस दुनिया से लेना देना कुछ नहीं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मिथ्या जगत से उनको क्या लेना है, लेकिन वो वापस आकर यहां पर फिर से लोगों को तैयार करने का काम करते हैं। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि वास्तव में
संपूर्ण जगत को उसकी दिशा है उस तरफ, उस उधर ले जाना, इसको कहते धर्म। मोक्ष है उपासना, मंदिर, देवता पूजा आदि आदि निर्गुण निराकार से लेकर, तो पिलवा करने वाले कणाद जी के जड़ दर्शन तक, ये सर्वत्र सब मार्गों से सत्य को प्राप्त करना, एकता को प्राप्त करना, सबका आनंद अपना आनंद, अपना आनंद सबका आनंद, ऐसा जीना। लेकिन ऐसा जी सके इसलिए समाज को तैयार करना, साथ साथ लोगों के भौतिक उन्नति की भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहां हमारा समाज प्रकृति से और परंपरा से राजा पर निर्भर नहीं रहता। राजा का काम होता है, राजा अपना काम करता है, राजा ने अपना काम ठीक करना चाहिए, इसको समाज को देखना होता है। जैसे प्रजातंत्र की पद्धति है, प्रतिनिधि हमारे हम चुनके देते हैं, वो देश को चलाते हैं, हम उनको देकर सो नहीं जाते, हम देखते रहते हो क्या करते क्या नहीं करते, और जो अच्छा करते हैं उसका फल, और अगर कभी गड़बड़ करते तो उसका भी फल उनको चुनाव में मिलने लगा है। आजकल भारत वो समाज है नियंता, इसलिए वो समाज को योग्य बनाए रखना, योग्य बनाने के लिए सक्षम बनाए रखना, वो दुर्बल ना हो, उसमें अभाव ना हो, उसमें उपेक्षा ना हो, वो समाज एक रहे। दुर्भाग्य में से इसी उड़ी पुरी किया है जो हमको बांटती है, क्यों मैं करूं? ठीक है, हो गया हो गया, अब तो हम सबको जोड़ सकते हैं। राम को गटगट में, जड़ चेतन चराचर सृष्टि में भगवान ही है और कुछ नहीं है, ऐसी हमारी मान्यता है। आज देश विदेश की सनातन परंपरा के मंदिरों को यहां पर एकत्रित प्रतिनिधि स्वरूप में क्यों न हो, लेकिन 700 के ऊपर ऐसे धर्म स्थानों का एकत्रीकरण यहां देखकर मुझे बहुत आनंद होता है। क्योंकि इसके आधार पर समाज को जोड़ने वाला, समाज को ऊपर उठाने वाला, समाज को बिखरने न देने वाला, और इसके संगठित समाज के द्वारा राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाने वाला, और कौन सा राष्ट्र? हमारा राष्ट्र जो सारी दुनिया को अपना कुटुंब मानकर सारी दुनिया को सुख शांति का मार्ग देने में आज सक्षम है, उस राष्ट्र को उन्नत करने वाला, धर्म समाज को देने वाला ये मंदिर का उपक्रम, ये अगर इसको फिर से पुनर्प्रतिष्ठित करना है उसी रूप में, तो संगठित सामर्थ्य की आवश्यकता है, और संगठित सामर्थ्य का पहला कदम है कनेक्ट। यानी अब हमको, हम आ गए 700-750 लोग यहां आ गए, आगे हमको एक बात करनी चाहिए, कैसी योजना बनेगी, उस योजना के अनुसार अपने अपने मन से नहीं चलना, एक योजना बनेगी वो आपके पास आएगी, उसके अनुसार अपने अपने क्षेत्र में उसको सफल बनाना। पहली बात है सर्वे करना, कहां कहां मंदिर, गली में छोटा सा भी मंदिर हो सबकी सूची अपने पास चाहिए। दूसरी बात, इन मंदिरों में रोज पूजा हो, मंदिर की स्वच्छता की चिंता हो, मंदिर बस्ती से या गांव से जुड़े, इसके लिए जो करना है वो वहां कैसे कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते। छोटे मंदिर क्या करेंगे, गली कूचे में बसे मंदिरों का कुछ नहीं होता है, उनका तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं, कमेटी भी नहीं। जो मंदिर की कमेटियां हम जो चाहते वो करने में स्वतंत्र है, वो कर लेगी, लेकिन कई जगह सरकारी नियंत्रण में मंदिर है, उनको तो वहां के सरकार के मर्जी से चलना पड़ता है, वो एकदम कैसा कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा संगठित बल इन सबको साधन धन से परिपूर्ण करे। ये महाप्रयास पूरे देश भर के सनातन परंपराओं के मंदिरों का एक पुल बने, उसमें से